इवनिंग। तो सजेस्टेड आंसर चाहिए था आपको। सजेस्टेड आंसर जो वैसे तो मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ ग्रुप में, इस लेक्चर के ये जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो इसका सजेस्टेड आंसर आपको मिल जाएगा। सर हुआ क्या, हुआ ऐसे कि मैंने सारे पेपर्स चेक किया है, सिर्फ वो जो इमेज फॉर्म में वो पेपर चेक नहीं कर पाया, बाकी जितने भी बच्चों ने टेस्ट दिया था सभी लोगों के टेस्ट पेपर चेक करके उनको प्रॉपर फीडबैक दिया। अधिकतर बच्चों ने क्या गलती किया, तो पहली जो मिस्टेक है वो है सिक्वेंस। पेपर चेक करते हुए मुझे एहसास हुआ कि कुछ बच्चे ऐसा कर रहे हैं कि कभी पहला क्वेश्चन जो अटेम्प्ट किया वो किया 3A 3A, उसके बाद 4B, उसके बाद 5C, उसके बाद 6A। अरे भाई ऐसे में तो यार जो पेपर चेक करेगा वो इरिटेट हो जाएगा। आप समझने की कोशिश करो, कोशिश ये करो कि सिक्वेंस मेंटेन करो। अगर क्वेश्चन नंबर 1 उठाया है तो 1A कर रहे हो तो 1B और 1C वही कर रहे, ज्यादा अच्छा। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज है मैंने एक अंतर देखा गर्ल्स में और बॉयज में। थ्योरी अटेंड नहीं करते बॉयज, थ्योरी नहीं किया है, एक भी क्वेश्चन थ्योरी अटेंड नहीं किया, जबकि गर्ल्स ने प्रॉपर थ्योरी अटेंड किया। अगर आप थ्योरी अटेंड नहीं कर रहे हो चार चार नंबर के तो पास नहीं हो पाओगे। वो चार नंबर का आपको अटेम्प्ट करना है किसी भी हालत में अटेम्प्ट करना। तो दो चीजें मुझे समझ में आई जनरल, कि एक तो सीक्वेंस मेंटेन करने की कोशिश किया करो और दूसरा थ्योरी अटेंड किया करो ज्यादा अच्छा। तो जनरल मुझे समझ में आया। अब स्पेसिफिक क्वेश्चन पेपर में क्या समस्या थी, अगर मैं कहूं क्वेश्चन नंबर 1 सभी ने अटेम्प्ट किया, अच्छा अटेम्प्ट किया ठीक है, कुछ बच्चों को ये समझ में नहीं आया था, कुछ बच्चों की याद रखना ये आ सकता और इसी में फंसोगे। क्या समझ में नहीं आया, ये 2/10 नेट 90, ये समझ में नहीं आया 2/10 नेट 90। फैक्टरिंग में पढ़ा था कि 10 दिनों के अंदर अगर पेमेंट होगा, 90 दिनों के लिए उधार दिया जा रहा है, अगर 10 दिनों के अंदर अगर आप पेमेंट करते तो आपको 2% डिस्काउंट मिलेगा। ये तो यार सीए इंटर में पढ़ा हुआ है आपका, तो इसमें दिक्कत होनी नहीं चाहिए था। बच्चों को ये बात समझ में नहीं आई 2/10 नाइन। और उसके अलावा सर, उसके अलावा थर्ड वाला तो पार्ट ही अटेंड नहीं किया, थर्ड पार्ट में पूछ क्या रहा बच्चों को ये भी समझ में नहीं आ रहा, थर्ड पार्ट बिल्कुल छोड़ दिया। मुझे समझ में नहीं आया नया क्वेश्चन आएगा कैसे हैंडल करोगे यार। सर ये तो आपने बाहर का दिया, मैंने कहीं का भी उठा के दिया, उससे मैटर नहीं करता, थोड़ा तो सोचते हैं। मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूं कि इसका क्या होना चाहिए, वो तो सजेस्टेड में है। तो क्वेश्चन नंबर 1 सही अटेम्प्ट किया, एक तो ये समझ में नहीं आया बच्चों को, लास्ट पार्ट किसी ने अटेंड नहीं किया अच्छे से ठीक। 1B जो किया वो किया रन टेस्ट, अच्छा है, इंस्टीट्यूट का ही क्वेश्चन था तो सभी को नंबर मिल गया, लेकिन इसमें मैंने एक फॉर्मूला समझाया था स्टैंडर्ड डेविएशन का, μ-1 μ-2, इस तरह से ये फॉर्मूला डिराइव किया था मैंने। पर मैं फिर से बोल रहा हूं कि कर तो दिया उस समय, अच्छा भी लगा, और एक बड़ा वाला फॉर्मूला, तो आपको इसमें थोड़ा सा चेंज करो भाई, इंस्टीट्यूट का कोई भरोसा नहीं है कि नंबर देगा कि नहीं, नहीं, नहीं। तो वही फॉर्मूला लिखने की कोशिश करो जो ICAI ने दिया, मैंने करवा दिया ठीक है, पर अब जो अटेम्प्ट गया ना उसमें तो डेज के हिसाब से उन्होंने 0 नंबर दे दिया, कि आपने डेज कैलकुलेट गलत किया तो उन्होंने 0 नंबर दे दिया। तो हो सकता फॉर्मूला पे वो 0 नंबर देते, बोले नहीं हमको तो वही वाला फॉर्मूला चाहिए जो ICAI बोल रहा है। तो फिर मैंने सोचा चलो यार, मैंने जो भी लेक्चर आपको जो भी पढ़ाया हूं उसमें थोड़ी बहुत अपडेशन की जरूरत है। इसके बाद ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ना, इसके बाद मैं अगला वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं जिसमें मैंने करवाया हूं सही, पर प्लीज ICAI के हिसाब से ही कीजिए। ऐसा वीडियो 4-5 क्वेश्चन है तो 5 क्वेश्चन का वीडियो इस वीडियो के बाद अपलोड होगा ठीक है, तो वो आपको देखना बहुत जरूरी है। जिन बच्चों ने मुझसे क्लास ले रखा है प्लीज इसके बाद आने वाला वीडियो आपको देखना जरूरी है, उसमें मैंने क्वेश्चंस में थोड़ा थोड़ा अपडेशन करवाया हूं, तो उसे जिन्होंने भी मेरी क्लास ले रखा ठीक है जी। बाकी रन टेस्ट सही था, रन टेस्ट सभी ने अटेम्प्ट किया, इंटरप्रिटेशन नहीं किया कुछ बच्चों ने, बता तो दिया रेंज भी बता दिया, पर ये नहीं बताया कि वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंट मार्केट है कि नहीं, उस चक्कर में मैंने आपका 2 नंबर काट दिया। आपको बताना तो पड़ेगा कि ये जो भी काम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे ठीक है।
थ्योरी था, थ्योरी बहुत सारे बच्चों ने अटेंड किया, अच्छा लगा, पर कुछ बच्चों ने बिल्कुल ही थ्योरी छोड़ दिया। खैर उस मैटर पर मैं बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2A आसानी से अटेंड किया, क्वेश्चन नंबर 2A में कोई था ही, कुछ था ही नहीं, क्वेश्चन नंबर 2A सबका सही है। क्वेश्चन नंबर 2B बहुत सारे बच्चों को टू पीरियड बाइनोमियल मॉडल नहीं पता, अमेरिकन ऑप्शन में क्या काम होता है ये नहीं पता, इट मींस प्रोबेबिलिटी लिखते समय गलती हुई है। देखो कैलकुलेशन मिस्टेक मुझसे होती है, आपसे भी होती, प्रोबेबिलिटी लिखते समय गलती हुई है। जिनकी गलती हुई ना उनको समझ में आ गया होगा कि उस पे भी मैंने सीधा जीरो नंबर दिया, सॉरी इसके लिए। आगे चले, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स बहुत सारे बच्चों ने किया। क्वेश्चन नंबर 3A मैंने बाहर से उठाया था, सीए में उठाया था, सभी बच्चों ने अटेम्प्ट किया, थैंक गॉड। क्वेश्चन नंबर 3A सभी ने अटेम्प्ट किया और सही सही अटेम्प्ट किया, अच्छा लगा कि नया क्वेश्चन आया तो अब आप हैंडल कर सकते हैं। इसके अलावा सर, इसके अलावा 3B में एक दिक्कत थी। क्वेश्चन नंबर 3B में क्या लिखा हुआ था, ये लिखा था लास्ट में एक शब्द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पैड लिखा था, पैड, तो कुछ बच्चों ने इसको कैश में से माइनस कर दिया, कैश में से माइनस। सर होना चाहिए ना, कैश में से तो माइनस होगा ना, ऑपरेटिंग बेटे ये जो कैश है ना ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पैड वेड करने के बाद का कैश, तो इसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पैड जो लिखा हुआ है ये इरेलीवेंट पॉइंट है, ये ऑलरेडी माइनस हो चुका है तो इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होगा। जिसको अभी भी शक है वो फोन करके मुझसे पूछ सकता है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पैड ऑलरेडी कैश से माइनस हो चुका है, ये कैश का क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, इसलिए हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पैड कैश में से माइनस नहीं करेंगे। यहां एक गलती हुई थी। क्वेश्चन नंबर 3C अटेम्प्ट कर लिया, 4A भी अटेम्प्ट किया, बहुत अच्छा था। 4A में कोई गलती नहीं है बच्चों को, जिसका फॉरेक्स में हाथ ढीला है वो तो कुछ कर ही नहीं सकते। 4B भी सही अटेम्प्ट किया, 4B में भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। 4B का पॉइंट नंबर 3 गलत है, पॉइंट नंबर 3 तो आप बता ही नहीं सकते थे, ठीक है। 4C भी सही है। 5A सुनो 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 सुनो, 5A क्वेश्चन नंबर 5A सर कहां कर दिया, इस अटेम्प्ट में जो क्वेश्चन आया था ना कैप कॉलर वही वाला उठा कर दे दिया आपको, मैंने देखता हूं कैसे करते हैं बच्चे, हद तो तब हो गई भाई। कुछ बच्चों ने डेज की अपेक्षा अभी भी मंथ में कैलकुलेट किया, अभी भी मंथ में, भाई मत करो, जीरो नंबर मिल चुका है, आगे भी मिलेगा अगर क्वेश्चन आ गया तो। एक तो ये गलती, मंथ में छह माह का कैलकुलेट किया। दूसरी गलती, फिर से वही जो पुराना मेथड था वही यहां भी अप्लाई किया, जबकि सजेस्टेड में जो नया उसमें सुधार दिया उन्होंने, सॉल्यूशन उन्होंने कहा कि नहीं पुराना भूल जाओ नया चालू करो, तो किस अभी भी पुराने तरीके से सॉल्व किया बच्चों ने, मैंने उस पे जीरो नंबर दिया, पुराना तरीका नहीं चलेगा, वो डेज कैलकुलेट है तो वो डेज जो फर्स्ट है वो आने वाले पीरियड का डेज का। सर इस पे वीडियो बनाओगे, चलो इस पे भी वीडियो जो बन रहा है ना ये क्वेश्चन कवर किया, इस पे किसी भी बच्चे का आंसर सही नहीं था, फिर से पुराने तरीके से किया, जीरो नंबर दिया गया, ठीक है सर इस पे तो वीडियो बनाया हूं मैंने। क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत आसान क्वेश्चन था, ऐसा है नहीं है कि ये पहली बार आया है, कई बार आ चुका है, तो सर कुछ सबका सही था, ऑलमोस्ट सबका सही है, गलतियां कहां हुई है मैं बताऊं, किसी एक स्टूडेंट ने सारा की सारा स्टेटमेंट बना लिया, मतलब नेट सेल्स लिखा, COGS, क्यों कर रहे हो भाई, जरूरत नहीं है, टाइम खराब क्यों कर रहे हो, पूरा स्टेटमेंट कॉपी करने का सेंस ही नहीं बनता, आपके पास टाइम कहां है इतना, आपको कैसे करना ये मैंने आपको समझाया। अच्छा इस क्वेश्चन में अधिकतर बच्चों ने ये वाला पार्ट समझ में नहीं आया, जस्टिफाइड करना, रेंज बताना है कि इससे ज्यादा हम शेयर दे नहीं सकते, इससे कम सामने वाला मांगेगा नहीं, वो यही पूछ रहा है कि रेंज बताइए, ये रेंज समझ में नहीं आया बच्चों को, क्यों समझ में नहीं आया भाई, बहुत ज्यादा डिटेल में समझाया पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 किसी से नहीं हुआ, जस्टिफाइबल करना था रेंज कि मैक्सिमम कितना एक्सचेंज रेशियो होगा, मिनिमम कितना एक्सचेंज रेशियो, उसी के बीच में, ये समझ में नहीं आया। और ये पॉइंट नंबर 3 पे मेहनत करोगे फिर से देखोगे। पॉइंट नंबर 5C मैंने मांग लिया था फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट के विषय में बताइए, एफआरए के विषय में बताइए, मतलब कुछ तो बताते, फॉर्मूला ही लिख देते, नेट सेटलमेंट कब होता है, प्रेजेंट वैल्यू होता है, ये सब कुछ लिखते, उसमें नंबर मिलता, नंबर मिला भी है किसी बच्चों, ठीक है। 6A बड़े दुख के साथ बोल रहा हूं, किसी ने सही अटेम्प्ट नहीं किया क्वेश्चन नंबर 6A, और ये क्वेश्चन कम से कम हमारी बुक में 4 बार है, क्यों अटेम्प्ट नहीं करूं, ये क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है सर। 6B अटेम्प्ट था, सही था, और सर 6C बेनिफिट ऑफ सिक्योरिटी, ये तो रटी रटाई थ्योरी है, कोई दिक्कत नहीं। तो सर गलती अभी भी हो रही है,
आप पूरी तरह से तैयार नहीं है, थोड़ी थोड़ी गलतियां हो रही है। कुछ बच्चे क्या होते हैं लास्ट तक सही जाते हैं, लास्ट में जाके मालूम है कि बनेगा करके, बन जाएगा, लिख सकते थे, नहीं लिखा, नहीं लिखा तो मैंने भी नंबर काट लिया। तो आपसे अब रिक्वेस्ट है, जो सेकेंड पेपर होगा सावधानी से करना, अच्छे से करना। मैं पेपर चेक कर ही रहा हूं, मैं ये नहीं प्रॉमिस तो नहीं कर रहा हूं, पर इस बार जो पेपर था मैंने सभी को फीडबैक दिया, सभी के पेपर चेक करके मैंने आपको रिप्लाई किया, ठीक है जी। तो नेक्स्ट पेपर सेम जो शेड्यूल था उसी के हिसाब से होगा, कोशिश करोगे मतलब अगले संडे को, जो संडे आने वाला है उसका नेक्स्ट पेपर होगा, फुल टेस्ट होगा वो भी, तो तैयार रहेगा उसके, ठीक है जी। थैंक यू सो मच। हाँ, इसके बाद आने वाला जो लेक्चर वीडियो है मेरा आने वाला, उसमें मैं जो क्वेश्चन चेंज हो रहे हैं, थोड़ा थोड़ा चेंजेस है, जैसे ये क्वेश्चन भी मैंने कवर कर, रन टेस्ट भी कवर कर रखा, मैं फिर से बोल रहा हूँ वो लेक्चर देखना जरूरी है जो इसके बाद आने वाला है। क्यों? क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन में, ये वाला जो क्वेश्चन है ये डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है, इस पे डिस्कशन किया है, तो उसको देखना जरूरी है। और किस पे डिस्कशन किया, रन टेस्ट में भी मैंने थोड़ा सुधरवाया हूँ क्योंकि मेरा वाला तरीका नहीं चलेगा, तो वो भी लेक्चर और दो तीन उसमें नए क्वेश्चन भी हैं, तो वो वीडियो देखना जरूरी है जिनका ये आने वाला अटेम्प्ट है, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट पेपर।